हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग इजी मैथ फॉर यू। और आज हम लोग क्रीप के बारे में जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आखिर क्या है क्रीप? तो क्रीप को हम लोग कोल्ड फ्लो भी बोलते हैं, क्रीप को हम लोग कोल्ड फ्लो भी बोलते हैं। कोल्ड फ्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्लो स्ट्रेस ऑकरिंग होता है। इट इज ए स्लो स्ट्रेस ऑकरिंग इन ए मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे लंबे समय तक छोड़ दें तो उसमें क्रीप आ जाता है। ठीक, तो अब देखिए क्रीप फिलर कैसे होता है। जब जो गिवन स्ट्रेस हम दे रहे हैं वो मैक्सिमम से कम में ही क्रीप फेलियर हो जाता है। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है क्रीप। ओके, क्लियर हो गया होगा। और चौथा पॉइंट ये है कि फोर्थ पॉइंट क्रीप सिग्निफिकेंट टू टी इज ग्रेटर देन 0.5 TM। टी क्या है? रूम टेम्परेचर है। टी रूम टेम्परेचर है और टीएम जो है ये मेल्टिंग टेम्परेचर है। जब मेल्टिंग टेम्परेचर का 0.5 से अबव रहे, ठीक है, तब वो क्रीप फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 0.5 times TM अगर रूम टेम्परेचर से ग्रेटर देन है तब वो क्रीप फॉर्मेशन होगा। तो बात उठता है कि इक्वेशन आया कैसे, तो हम इक्वेशन को हम देखते हैं। ठीक है, सपोज हम अल्मुनियम ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ले रहे हैं सोल्डर। सोल्डर किसका? लीड। और एक हम लीड का ले रहे हैं, दूसरा टीन का ले रहे हैं, ये सोल्डर है, इसको सोल्डर ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब सोल्डर लिए और हम मेल्टिंग टेम्परेचर देख रहे हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में। तो अल्मुनियम का होता है 660 डिग्री होता है, अल्मुनियम का होता है, और लेड का सोल्डर का होता है 183। ओके, अब हम देख रहे हैं केल्विन में, इसको चेंज कर लेते हैं, इसका हो गया 660 का हो गया 933 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 456 हो जाएगा। ओके, अब जो इक्वेशन है रूम टेम्परेचर केल्विन में डिवाइडेड बाय मेल्टिंग टेम्परेचर केल्विन में, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 23 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 300। ओके, और ये हो गया 933, तो इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा आपका समथिंग 0.32 समथिंग आ जाएगा। और इसका देख रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, 300 डिवाइड करें 450 से, तो इसका हो जाएगा समथिंग 0.66 आ जाना चाहिए, 66 हो जाएगा। ठीक है, 0.66। तब देखिए ये इक्वेशन क्या हमें दिया कि जो टेम्परेचर है टी रूम बाई टी एम इक्वल टू 0.66। ठीक है, और टी रूम को टी लेकर चलते हैं, 0.66 टी एम हो गया, और ये क्या है 0.5 से तो बड़ा है ये। ठीक है, ये टेम्परेचर, तब इसमें देखा जाएगा इसमें क्रीप फॉर्मेशन होने का चांस है, सोल्डर में क्रीप फॉर्मेशन हो जाता है रूम टेम्परेचर में रखा जाए तो वे कुछ समय के बाद ये इसमें क्रीप देखा जाता है। ठीक है, अब बात हो गया ये, अब बात करते हैं क्रीप कर्व के बारे में कि क्रीप कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हम लोग क्रीप कर्व स्ट्रेन
और टाइम पर ड्रॉ करते हैं, स्क्रीन और टाइम पर ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट के बाद देखा जाता है, एक पॉइंट के बाद कि इसमें ठीक है, ये कर्व बन जाता है इस टाइप का और ये तीन स्टेजेस में टूट जाता है। ओके, एक प्राइमरी स्टेज, दूसरा सेकेंडरी स्टेज और तीसरा टेरिसरी स्टेज। ठीक है, ये तीन स्टेज में टूट जाता है, उसके बाद फेलियर आ जाता है किसी चीज में। क्या होता है यहाँ, इसके बाद, इस पॉइंट के बाद फेलियर हो जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग वर्क हार्डनिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग वर्क हार्डनिंग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखा तो स्टेडी इक्वेशन ही बन जाता है। ठीक है, इसको स्टेडी स्टेट ऑफ क्रीप भी बोलते हैं, इस पॉइंट को, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट क्रीप। स्टेडी स्टेट क्रीप जब बना तो इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का बन जाता है, इक्वल टू इक्वेशन इस टाइप का आ जाता है यहाँ पर। जब वो सेकेंडरी स्टेट में जब इस तरह का इक्वेशन बनता है तो स्टेडी स्टेट क्रीप बनता है, तब इसका इक्वेशन इस प्रकार आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कब हुआ। जब किसी रॉड में अगर हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं टी, तब क्या होगा, ये प्राइमरी स्टेज था, फिर उसके बाद कुछ में चेंजेस आ गया सेकेंडरी स्टेज पर। ठीक है, तो उस टाइम के बाद फिर वो डिफॉर्मेशन करना छोड़ दिया उस, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्रेसिव भी स्ट्रेस जनरेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और लेकर वो नेकिंग क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक नेकिंग क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पर इसको कॉम्प्रेसिव स्टेज भी जनरेट हो गया। ठीक है, तब ये हुआ टेरिसरी स्टेज। टेरिसरी हमारे यहाँ ही नहीं होगा, टेरिसरी स्टेज हो गया, और ये हमारा सेकेंडरी स्टेज हो गया, और ये हमारा प्राइमरी स्टेज हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिसरी स्टेज हो गया, और इसी के थ्रू हम लोग ये कर्व ड्रॉ किए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि और भी इस पर मैकेनिकल रिलेटेड और भी सारा इजी वे में हम लोग वीडियो डालेंगे।